टेस्ट करने वाले, चाय पीने वाले, ये सब नो। सो माय डियर फ्रेंड, कंज्यूमर आर मोर, बिजनेसमैन लेस। आपके शहर में बाटा की दुकान कितनी होगी? एक या दो। मैकडॉनल्ड की कितनी होगी? है ना बिजनेस कम, कंज्यूमर है ना ज्यादा, तो बिजनेस हमेशा कम होगा, कंज्यूमर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रेशियो क्या निकलेगा, जब आप होम मीटिंग करोगे, 10 को प्लान दिखाओगे, 7 इंटरेस्टेड होंगे, 4 ज्वाइनिंग होगी, 4 ज्वाइन करेंगे, 1 कंज्यूमर, 1 लीडर बनेंगे। एक रूल हमेशा रखना, मेरे अपने ने बताया था कि राज, जब तुम प्लान दिखाओगे तो सबसे पहले ध्यान रखना सम विल कम, कुछ लोग आएंगे राज, कुछ लोग नहीं आएंगे। मेरे अपलाइन ने कहा सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर आपके लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार में हैं, जिनको कुछ बड़ा करना है। सो माय डियर फ्रेंड, सो स्टार्ट वर्किंग, हमेशा काम चालू रखना, प्लान दिखाते रहना, सो दैट आपका जो इंतजार कर रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये सर नो, सो ये मेरे को रूल बताया सर ने, बिकॉज हर तरह के लोग अलग सोचते हैं। एक रूल और बताया सर ने मुझे, सर ने कहा इट इज अ सेलिंग बिजनेस, नो, ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी बताने का और प्रोडक्ट शेयरिंग का बिजनेस है, ब्रांड एम्बेसडर बनने का बिजनेस है। तो मेरा माइंड क्लियर हो गया कि सर ये बेचने का बिजनेस नहीं है, दूसरा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी देती है बेचती। अच्छा, गारंटी क्या है सक्सेस का, तो देयर इज सेलर, डेफिनेटली देयर इज अ बायर, वाइस वर्सा, ये हमेशा रहेंगे। जैसे सब्जी वाला घर से निकलता है, सबको फोन कर देता है, भाई सब्जी लेने आ जाना, ये सर नो, नहीं ना, फिर भी सब्जी बिकती है ना उसकी, यानी कंज्यूमर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट है तो टीचर आ गया, ये सर नो, स्टूडेंट है तो टीचर। उसी तरीके से करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, करोड़ों लोग आपके नीचे, बाली साहब के नेटवर्क में 2 करोड़, बाली साहब के नेटवर्क में 2.5 करोड़ लोग हैं, प्रेस्टीज के नीचे आपके नेटवर्क में 5 करोड़, क्योंकि आप फील्ड में हो अभी, क्योंकि आप फील्ड में हो, ये सर नो, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा है, कंज्यूमर है तो बायर है, बायर है तो सेलर है, ये रहेंगे जीवन में भाई, टेंशन नो। आपको एक ही झटके में कई साहब ने क्लियर कर दिया, इतने अरब लोग आपके लिए हैं, सब आपकी डाउनलाइन बनेगी। एक एक बच्चा आज पैदा हो रहा है ना, एक बार क्या हुआ, मैं प्लान दिखा रहा था तो किसी ने कहा कि सर जब 6 और 6 के नीचे 36, उसके बाद 216 64, जब सब लोग जुड़ जाएंगे तो लास्ट वाले के नीचे कौन आएगा। मैं मार्केटिंग प्लान दिखा रहा था इसी पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे, तो किसी का दिमाग 7वां घोड़ा था, तेज चल गया, बीच में से बोल पड़ा कि सर जब सब जुड़ जाएंगे तो लास्ट वाले के नीचे कौन आएगा। तो मैंने कहा देख भाई, ऐसा है कि मेरा बेटा है अभी 15 साल का और उसकी डाउनलाइन अभी पैदा हो गई है, तो जब वो 18 का होगा, फिर वो 18 का होगा तो उसकी डाउनलाइन आ जाएगी, फिर वो 18 का, ये तो चलता रहेगा डाउनलाइन। बोला नहीं सर, घुमा रहे हो, आप ये बताओ कि लास्ट वाले के नीचे कौन आएगा। मैंने कहा आज मैं फंस गया टेढ़े आदमी से। तो मैंने कहा देख ऐसा है कि हम पड़ोसी देश में चलेंगे, बांग्लादेश चलेंगे, अपने एशिया में थाईलैंड में चलेंगे, सब चलेंगे, वहां जोड़ेंगे लोगों को नीचे। तो बोलो सर जब वो एशिया वाले सब जुड़ जाएंगे, बांग्लादेश जुड़ जाएगी, थाईलैंड जुड़ जाएगी, तो लास्ट वाले के नीचे कौन आएगा। क्या यार, आज तो बड़ा ही बढ़िया बंदा है मेरे साथ। फिर उन्होंने, मैंने कहा यार अपन फिर यूरोप चलेंगे, यू नो, अमेरिका सब चलेंगे, लंदन वगैरह सब चलेंगे ये सब। तो बोलो सर जब सारा वर्ल्ड जुड़ जाएगा तो बताओ लास्ट वाले के नीचे कौन आएगा। मैंने कहा सबसे लास्ट में आप ही आओगे। Yes, sir, no. Yeah. फिर उन्होंने कहा कार फंड की बातें आई, कार फंड। मैंने कहा सब कार चलाएंगे सर, आप भी चलाओगे। बोलो सर जब सब कार चलाएंगे तो बाकी के काम कौन करेगा। मैंने कहा यार मैं लंदन गया था, रशिया गया था, टर्की गया था, वहां पे मैंने देखा कार से उतर के लोग झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, फिर कार में बैठ जा रहे हैं। बोलो फिर घुमा रहे हो सर, जब सब वेस्टेज में कार चलाएंगे तो बाकी के काम कौन करेगा, ये छोले कौन बेचेगा, ये गाड़ी कौन ठीक करेगा, साइकिल कौन ठीक करेगा, बाकी सब्जी कौन बेचेगा, इतने सारे काम है, पेंटिंग कौन करेगा, ये और सब काम कौन करेंगे जब सभी कार पे चलेंगे। तो मैंने कहा यार आप ही करोगे, क्योंकि आप जुड़ोगे तो है नहीं, राइट। किस फिर काम उन्होंने, कंपनी बहुत स्ट्रांग है। तो बोलो कंपनी भाग गई तो। मैंने कहा नहीं भागेगी यार, क्यों भागेगी कंपनी, 200 करोड़ का ऑफिस है। नहीं नहीं सर, अगर भाग गई तो। मैंने कहा नहीं भागेगी भाई, नहीं भाग गई तो। तो मैंने कहा नहीं भागेगी, अबे नहीं भाग गई तो। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये आपने कपड़े पहने हैं,
राइट, अपने कपड़े पहने हैं, किसने कपड़े काम आते हैं, तन ढकने के लिए, राइट। ये बताओ आप बगल की अपने दुकान से लेते हो, बगल की दुकान से, शहर की दुकान से, ये सब। मैंने कहा वो दुकानदार भाग गया तो, मैंने कहा अब मैं पूछता हूं आपसे, दुकान भाग गया तो, बोलो दूसरे वाले से ले लूंगा। मैंने कहा दूसरा वाला भाग गया तो, बोलो उससे ले लूंगा। मैंने कहा सारे शहर वाले आपके भाग गए तो, बोलो दिल्ली आके लूंगा। मैंने कहा दिल्ली वाला भी भाग गया तो बोलो फैक्ट्री में चला जाऊंगा। तो मैंने कहा फैक्ट्री वाला भी भाग गया तो, मैंने कहा जहां तो लगाना है वहां तो नहीं लगा रहे हो। आप ये सोचो मेरी तरह 6.5 करोड़ कमा गए तो, यस सर नो यस, तो कहां लगाना है, सही जगह पे, गलत जगह पे गलत नहीं लगाएंगे। यस सर नो यस, यस सर नो यस। सो माय डियर फ्रेंड, लास्ट में बता दूं, यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर। स्ट्रक्चर कैसे करना है आपको, 6 लोगों के साथ 6 को क्राउन बनाना है, 6 को क्राउन बनाना है। बस पहला जीवन में ये अपना लो कि मुझे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी इन 6 लोगों के लिए, इनके लिए समर्पित है, इनको गाड़ी, इनको पैसा दिलाना है, बस मेरा जीवन का मकसद एक ही है। यस और नो, इसी मकसद से जीना है आज के बाद कि इन 6 लोगों की लाइफ बदलनी है। जब इनके घर जाओ तो इनके आंखों में लगना चाहिए कि सर एक उम्मीद लेके आए हैं, ये मुझे मेरी लाइफ बना देंगे। ऐसा बनो आप किसी के लिए, बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो 6 की जिंदगी बदलनी है और उनको वही चीज सिखाना है। पहला काम करना है QD, दूसरा काम करना है 282 PB पे, चैंपियन पिन पे काम करना है आप सबने, एंड लर्न मिरेकल। ओके, अब ये क्या हुआ, पेट निकला हुआ है, राइट। अच्छा, अगर इनको पेट कम करना हो तो इनके जगह इनके बच्चे करेंगे तो कम हो जाएगा, नहीं। अच्छा, इनकी पत्नी करेगी तो कम हो जाएगा, नहीं। पड़ोसी भागेंगे इनकी जगह तो कम हो जाएगा। तो इनका पेट है तो किसको कम करना पड़ेगा, भागना किसको पड़ेगा। लेकिन लोग कहते हैं नहीं तू भाग ले मेरा कम हो जाएगा। तो एक्शन इज रिक्वायर्ड, काम तो करना पड़ेगा आपको। एंड माय डियर फ्रेंड, यहां पे दुनिया में देखिए कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, पांव नहीं होते हुए भी ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। एक केरल का एक लड़का, दोनों हाथ नहीं है इसके, दोनों हाथ बिजली में, इसके फादर खत्म हो गगए थे। ये केरल का लड़का 3 मेडल कनाडा से जीत के आया है स्विमिंग के अंदर, राइट। जहां चाह वहां रहा, बी अ फाइटर इन अ लाइफ। जीवन में एक बात याद रखना, जिंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो फासले हैं तो चैलेंज है तो हौसला है तो हम एक दिन जीतेंगे। ये सब नो, ये आर अ फाइटर इन अ लाइफ। एक फाइटर की जिंदगी जीना है। आज पे ध्यान दो, आज सुबह उठो, शाम को काम निपटाओ, फिर कल सुबह उठो, फिर काम निपटाओ, परसों सुबह उठो, फिर काम निपटाओ, आज पे ध्यान दो। क्योंकि मिनट जुड़कर, सेकेंड जुड़कर मिनट बनता है, मिनट जुड़कर घंटा बनता है, घंटे जुड़कर दिन 24 घंटे बनते हैं, 24 घंटे जुड़कर दिन बनता है, दिन जुड़कर सप्ताह, और सप्ताह जुड़कर महीना, महीना जुड़कर साल, और साल जुड़कर वर्ष हो जाते हैं। ये सब नो, तो इसलिए सुबह उठो, आज पे ध्यान दो, शाम को कितना काम किया उस पे ध्यान दो, फिर कल सुबह उठो फिर ध्यान दो, फिर परसों सुबह उठो फिर ध्यान दो। ये सब नो, आज पे ध्यान दो। फ्यूचर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ ऑल द टुडेज, यानी आज जो करोगे आप कल का आपका होगा। जीवन में पहली चीज याद रखना है, शुरू में एक्साइटेड रहेंगे, बीच में स्ट्रगल पीरियड आएगा, फिर सक्सेस मिलेगी, जैसे मैंने बताया था मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। नाउ योर पेरेंट्स इज ब्लेसिंग इज हाईली नीडेड। लास्ट में मैं आप सबको बता दूं, अगर इन सब करने के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो मैं एक चीज आपको रहस्य बता के जा रहा हूं लास्ट में, और वो रहस्य ये है कि दुनिया में 2 माँ बाप, यानी आपके पत्नी के माँ बाप और आपके माँ बाप, अगर इनका दिल दुखा है तो आपको जिंदगी में सफलता कभी नहीं मिल सकती। इस बात को देखिए। सो आज के बाद कोशिश करना कि इनका दिल नहीं दुखे जरा सा भी, खुद पे मुसीबत झेल लेना, खुद पे सारा कुछ कर लेना, सब कुछ जुल्म कर लेना, लेकिन इनका रोम रोम दुआ मिल गया दोस्त। आज मेरी माँ दुआ देती है, मर्सिडीज में दुआ दी, मेरा विला आ गया, विला में दुआ दी, मेरा अगला महल आने वाला है दोस्त। जब मेरा बिजनेस डूब गया था मेरी सास रोती थी, यार कैसे दिमाग मिल गया, क्या है लाइफ में, इतना स्ट्रगल है उसके लाइफ में।
वो अपने पति को बार बार कहती थी कि कैसे जगह फंसा दी मेरी बेटी को, ये वो। मेरी वाइफ लेकिन बहुत समझदार, कभी उसने कभी कुछ कंप्लेंट नहीं किया किसी से भी कुछ भी। बहुत सारे चैलेंज रहे, मैं कभी नाराज नहीं हुआ उनसे, हमेशा उनको बोलता रहा नहीं एक दिन देखना, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं ना, होप मेरा दिलाना काम है। मैं अपने घर वालों को भी होप दिलाता था, बचपन में माँ को होप दिलाता था, बड़ा होगा ना मैं गाड़ी बंगले नौकर चाकू होंगे, मम्मी मत रोया करो आप, खूब पैसे कमा के लाऊंगा, इतना पैसा होगा, ये क्या पैसा पैसा रोते हो, क्यों लड़ते हो आपस में पापा के साथ, ये मैं सिखाता था बताता था। फिर जब सास को भी सिखाता था कि टेंशन मत लो, ये एक दिन बैठेगी एक तनिक्स में 3 लाख का खरीद के उतरेगी आपकी बेटी देखना, फिर भी खुश हो जाती थी लेकिन बाद में रोती थी। आज सास आती है तो मर्सिडीज पे घुमाता हूं, ये दो दुनिया में ये दो लोगों का कभी दिल मत दुखाना दोस्त, ये बात ध्यान रखना। मैं सक्सेस हूं तो सिर्फ इन्हीं की ब्लेसिंग से, मेरा और कोई सक्सेस में हाथ नहीं है भाई। सो थैंक यू वेरी मच। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आपको अपनी टीम के साथ 1-to-1 करना है, होम मीटिंग करना है, क्योंकि आप जितने डेप्थ में काम करोगे, मिलोगे, लिस्ट बनाओगे, उनके साथ भागोगे, कंटिन्यू काम करोगे तो आप हो जाओगे। एक नीली गोली है साधारण नौकरी, और नेटवर्क की शुरुआत लाल गोली, इसे बचत करके जीना है, यहाँ पे दिल खोल के जीना है, कोई सपने नहीं है यहाँ, हर रोज सपने देखना है। यहाँ 65 की उम्र में रिटायर, यहाँ 10 साल में रिटायर, काम बंद इनकम बंद, लाल गोली में काम बंद पर इनकम, इनकम चालू, और गोली खाने में मीठी है, गोली खाने में कड़वी है, आप कौन सा गोली चुनते हो, नीली या पीली, ओ नीली या लाल, लाल नीली या लाल, लाल नीली या लाल, लाल। मैं भी बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने भी लाल गोली रखी है आपके लिए, राइट। सो सफल लोगों के बीच में रहें, आप भी सफल कामयाब हो जाएंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। और डेली सुबह उठकर आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मेरे अपलाइन ने कहा था सुबह उठ के बोलना है, चबाशी देना है अपने आप को, मैं करता हूँ ये एक्सरसाइज आज भी। एंड उसके बाद सभी समस्याएं जीवन में, बहुत सारी समस्याएं हैं, ये हिंदी में लिखा है, सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, एक प्लान रोज, यानी आपको प्लान दिखाना है, ये प्लान लिखा हुआ है, एक प्लान रोज, एक बार मेरे साथ बोलिए, एक प्लान, एक प्लान, एक प्लान, एक प्लान, एक प्लान, एक प्लान, जब तक आप प्लान नहीं दिखाएंगे खाना नहीं खाएंगे, कसम खा लो। कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, जब तक प्लान नहीं दिखाऊंगा खाना, एक बार अपनी सीट पे खड़े होंगे सभी लोग, थोड़ा सा देख लीजिए पीछे ध्यान रखिए, पता चला ऐसे करें पीछे वाला गया है।